हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है कि उर्जित पटेल ने आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और इसका बैंक निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कल आपके लिए, ये भी अच्छा एक चीज़ है। मेरे अंदाज से तो निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले ब्रेकिंग न्यूज को सुन लीजिए, फिर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी आपको देखे अच्छा खासा पॉइंट डाउन होकर के दिया है, तो बैंक निफ्टी पे इसके बाद चले जाते हैं। पहले ब्रेकिंग न्यूज सुन लेते हैं, पहले ब्रजेश जी से एक बार बात कर लेते हैं। ब्रजेश बताएं, आरबीआई गवर्नर पद से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया, व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, आपके पास डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से टकराव चल रहा था रिजर्व बैंक और सरकार के बीच में, तो इसकी आशंका काफी पहले से लगाई जा रही थी कि शायद वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हाल में जो 19 नवंबर की बैठक हुई और उसके बाद जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद चीजें ठीक ठाक हैं। लेकिन जो 14 दिसंबर की मीटिंग है, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो गवर्नेंस का मामला है उसको सरकार उठाएगी, कि रिजर्व बैंक के जो अलग अलग कमिटियां हैं वहां पे सरकार जो भागीदारी है वो और बढ़ाई जाए, ऐसा सरकार का कहना था। सरकार में ऐसी एक धारणा थी कि रिजर्व बैंक और जो उनकी टीम है यानी डिप्टी गवर्नर्स हैं वो फैसले लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि सब कुछ जो है उनके हिसाब से ही होना चाहिए, जो वो सोच रहे हैं वही इकोनॉमी के लिए ठीक है। और सरकार का ये भी कहना था कि जो रिजर्व बैंक की सोच है वो बड़ी थियोरेटिकल है और खासतौर पर एनबीएफसी सेक्टर में जिस तरह से दिक्कतें थी चल रही हैं नकदी को लेकर के, काफी सारी रियल एस्टेट को लोन नहीं मिल पा रहा है, ये ऐसे सेक्टर्स में सरकार का ऐसा मानना था कि जहां से अच्छी जॉब क्रिएशन होती है, एसएमई को लेकर भी दिक्कतें थी। तो ऐसे सारे मामलों में जो है सरकार को ऐसा लग रहा था कि रिजर्व बैंक की जो सोच है वो तक से बस नहीं हो रही है और इकोनॉमी के हित में शायद कहीं नहीं जा रही है, तो ये सारी कई टकराव की वजह थी। ठीक है, इस वजह से शायद की वजह ठीक है। तो सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं, आरबीआई गवर्नर पद से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत कारण है जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये बात है कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच टकराव का माहौल पिछले कई दिनों से चल रहा था। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, आरबीआई गवर्नर पद से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है, शुरुआती तौर पर ये कह रहे हैं व्यक्तिगत कारण है जिसके पीछे इन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये ठीक है और हम तो आपको याद होगा काफी समय से कह रहे थे कि अब जब दो बड़ी संस्थाओं के बीच में टकराव वाली सिचुएशन हो तो फिर ये टकराव खत्म होना चाहिए। टकराव या तो आपस में बातचीत करके खत्म हो जाता या फिर एक किसी के जाने से खत्म होता। जाहिर सी बात है कि बातचीत वाला ऑप्शन तो शायद ज्यादा था नहीं, क्योंकि उर्जित पटेल साहब ने पूरा मन बना रखा था कि भाई हम बातचीत करेंगे नहीं, हम चाहे वो सरकार हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे दूसरे स्टेक होल्डर्स हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो, तो फिर टकराव तो चल ही रहा था। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक तरह से बैंकिंग सिस्टम के लिए कि उर्जित पटेल साहब ने इस्तीफा दे दिया और वो एकदम सही कदम है, उन्हें ये पद छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि काफी समय से आरबीआई की सरकार के साथ बन नहीं रही थी और आरबीआई ने सिर्फ ये मान लिया था कि हमारा फोकस सिर्फ उस लेवल तक सीमित है कि हमें इन्फ्लेशन को काबू में करना है, बाकी ग्रोथ एनपीए के मामले और जो कुछ भी बैंकों की पैसे की समस्या है, उन्हें पीछे से बाहर निकालने वाला मामला है, उस पूरे मामले में कहीं कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही थी। एनबीएफसी के लिए जो लिक्विडिटी का संकट था उस मामले में आरबीआई ने कुछ भी नहीं किया, तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल बना हुआ था उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम हुआ है कि आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, तो यहाँ पर इस्तीफा तत्काल प्रभाव से इन्होंने दिया है, तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ेंगे आरबीआई गवर्नर जी। तो ये था आरबीआई गवर्नर ने जो रिजाइन दिया है, और इसके बाद चले तो हम आज निफ्टी पे क्या क्या रहा, कैसा पोजीशन रहा, तो आप देखेंगे निफ्टी बैंक पे सारे बैंक ने 491 पॉइंट का गिरावट दिया, 1.85% का गिरावट दिया है। और निफ्टी जो क्लोज हुई है आज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसका 26,102 का है। तो आप देखेंगे कोई भी बैंक हो, चाहे इंडसलैंड बैंक हो, HDFC बैंक हो, चाहे कोटक बैंक जो कल किसी न्यूज़ में उठ गया था, आज वो 6% की गिरावट के साथ सबसे टॉप लिस्ट में बैठा हुआ है, और उसके बाद ICICI बैंक भी है और एक्सिस बैंक भी। आज तो गिरावट के साथ मंद भी, अब कल इलेक्शन का रिजल्ट भी है, आज 10 तारीख या कल 11 तारीख का काउंटिंग होगा, 3 स्टेट का जो भी 5 स्टेट का सबका काउंटिंग होगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव है, निगेटिव आपको क्या लेना है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, मेरे अंदाज से ये एक सपोर्ट मिलेगा 25,947 जो लगता टूटेगा,
और 25,300 400 25,400 मेरे अंदाज से ये टूटेगा नहीं। 25,384 जो इस कैंडल का लो है, आप देखिए 25,384 ये नहीं टूटेगा, जाना होगा तो 25,400 ही से ऊपर जाएगा। तो मेरे अंदाज से, मेरा अपना ओपिनियन है, 25,400 एक बार आपको लो दिखाएगा भी किसी कारण से तो 25,400 इससे लो नहीं दिखाएगा और ये फिर अपवर्ड लेगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास अगर निफ्टी पोजीशन देखें, आज आप ये देखें निफ्टी डेरिवेटिव्स में 13 दिसंबर का बता रहा हूँ मैं, जो अभी नेक्स्ट थर्सडे को बृहस्पतिवार को ये क्लोज होगा, इससे पोजीशन क्या बन रहा है वो देखिए। आप सबसे ज़्यादा पोजीशन देखेंगे जो ऐड हो रहा है 270,000, 142,000, 270,000 आज के ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है 205,000, 219,000, ये सब आज ऐड हो रहा है 27,000 पे, 27,200 पे। तो अगर ये कल आपको मेरे अंदाज से अगर एट द मनी क्या 26,102 तो 26,100 पे क्या बन रहा है, आप कॉल दोनों देखेंगे, कॉल साइड में एडिशन हो रहा है और पुट साइड में निकल रहा है। तो लोगों का ये बिलीव है कॉल साइड में अब जाएगा, बहुत गिरना था आज गिर गया 500 पॉइंट, और कल ये आरबीआई के न्यूज़ के चक्कर में और कोई काउंटिंग के चक्कर में और गिरना हो तो इसका जो आपको 25,400 बताया वहाँ पे तो सपोर्ट है ही, उतना नीचे जाएगा नहीं। तो अगर ये कल किसी कारण से नीचे जाता है तो आपको नीचे की ओर 26,500 का कॉल आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग इसकी 158 है। तो कल अगर आप 26,500 का या 26,000 का जो कि 335 से कल और गिरेगा, तो अगर आपको 26,500 का कॉल 50 रुपये के आसपास मिलता है, 60 रुपये के आसपास मिलता है, तो आपको ये बाई करना चाहिए। कॉल बोल रहा बाई करने के लिए, पुट का दिन गया, अभी पुट तो ऑलरेडी गिर चुका है। अब जिसने आज प्रॉफिट बुक किया होगा किया होगा, कल एक बार और हो सकता है आपको मौका मिलेगा, नहीं आपको दोनों करना है, दोनों जिसको ट्रेडिंग करना है तो 26,000 के कॉल और पुट दोनों साइड में आप बाय कर सकते हैं। एक ऑप्शन, एक तो स्ट्रेटजी ये है कि आप 26,000 के कॉल और पुट दोनों साइड बाय कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है आपका कि अगर आपको बाय करना है, एक बार मार्केट गिरने दीजिएगा, वेट कीजिएगा मार्केट गिरने का, और मार्केट जब नीचे की ओर जाए तो आपको वहां से ऊपर की ओर बाय करनी है, और जहां पे जहां जिस लेवल का होगा उससे सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर का लेवल बाय करना है। अगर 26,000 तक कल मार्केट जाता है या 25,500 जाता है तो 26,000, सिर्फ 500 पॉइंट अब आपको जो भी होगा कॉल साइड में वो बाय करना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी कल के लिए। जो भी न्यूज होगा, आरबीआई का डिस्काउंट कल ही गिर जाएगा, कल जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा वो भी गिर जाएगा, तो जो भी इम्पैक्ट आना है कल आके खत्म हो जाएगा। अब दिन भर आज आप चलेगा, उर्जित पटेल ने रिजाइन दे दिया, उर्जित ठीक है, टकराव था जो भी था, कहीं आप जैसे अच्छा ही हुआ ना, अगर टकराव है तो खत्म ही हो, चाहे जिस रूप से खत्म हो तो खत्म हो गया। अब नए आएंगे गवर्नर, फिर से सरकार के डायरेक्शन में काम करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, वापस लड़ाई तो नहीं होगा, क्योंकि IL FS के बाद जो मुद्दा खड़ा हुआ था वो दोनों एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं थे। ये उसको फंड देना चाहते थे, ये फंड देने के विरोध में थे, वो उसको उठाना चाहते थे, ये जो भी अपना अपना रीजन था, अपने अपने ग्राउंड थे। तो आज जो भी उर्जित पटेल ने जो उसको क्लोज कर दिया अपने तरफ से पर्सनल रीजन बता करके, वो तो होना ही था, और इलेक्शन का ही वेट हो रहा था, नहीं तो और पहले हो जाता, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे फील है, और मुझे कोई न्यूज़ तो मालूम नहीं था। ऐसा देख करके लगता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट कल है, अब नियरेस्ट आ चुका है, तो अब इन्होंने डिसीजन लिया है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट के आसपास का ही वेट कर रहे थे। तो जो भी लेना हो गया, तो आप वापस क्या पोजीशन बनाएंगे नीचे जाने के बाद, आप 500 पॉइंट नीचे जाने के बाद आप इसको बाय की पोजीशन बनाएंगे नीचे की ओर। फिर भी ये सारा पेपर ट्रेडिंग है, आपको कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। ऐसे बैंक निफ्टी पे पोजीशन कल के लिए था, और उर्जित पटेल जी का जो व्यूथ न्यूज़ था, ये दोनों बताने के लिए सिर्फ ये वीडियो आपको दिया बताया गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।